किसी के द्वारा प्रगाढ़ता से प्रेम किया जाना आपको शांति देता है और किसी के साथ प्रगाढ़ता से प्रेम करना आपको साहस देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शैली देवी बीएड सेमेस्टर एक की छात्रा एमजीएन कॉलेज नंदा से संबंधित हूँ और मैं आप सबके सम्मुख एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका विषय है श्री गुरु तेग बहादुर जी। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी इतिहास के उन अद्भुत तथा महान व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने समय समय पर संपूर्ण मानव जाति को सहिष्णुता, विश्वास, असत्यता, भाईचारे तथा दृढ़ता का पाठ पढ़ाया और ईश्वर पर अधिक आस्था रखने का प्रेरणा दी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म मेरी पीढ़ी के मालिक छठे गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी के घर और माता नानकी की कोख से हुआ। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में हुआ। आपका जन्म स्थान वह भाग है जिसका निर्माण श्री गुरु रामदास जी ने करवाया और जिसे श्री गुरु अर्जुन देव जी ने पूर्ण करवाया। गुरु के महल में ही श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी रहा करते थे और आप गुरु हरगोबिंद सिंह जी की 6 संतानों में से सबसे छोटे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने आपका नामकरण किया, आपका बचपन का नाम त्यागमल रखा गया और बाद में आपके शूरवीर, बलवान और तेग के धनी होने के कारण आपका नाम तेग बहादुर रख दिया गया। आपका विवाह जलंधर के करतारपुर निवासी श्री लाल चंद की पुत्री माता गुजरी से हुआ। माता गुजरी जी बहुत ही आज्ञाकार, विवेकवान, सहनशील स्त्री थी। 1635 में आप कीरतपुर आ गए जहाँ आपने अपने 9 वर्ष बिताए। वहाँ इसी बीच आपके घर गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आप अपनी माता व पत्नी के साथ व पुत्र के साथ बाबा बकाले आ गए और वहाँ पर त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। आपने अपना सारा समय नाम स्मरण जप तप में व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो इसी बीच श्री हरकृष्ण जी के ज्योति जोसमाने से पूर्व 5 पैसे और नारियल लेकर सिख संगत को देते हुए बाबा बकाले की शब्द की घोषणा की गई जिसका अर्थ था कि हमारी गुरुगद्दी दादाजी को सौंप दी जाए। भाई लखन शाह लुबाना उसी समय वहाँ पे आए। उनके हाथ में 1000 मोहरें थी जो उन्हें सिख संगत ने दी थी गुरुओं को देने के लिए। वहाँ पर जब वे भाई लुबाना जी आए तो मक्खन शाह लुबाना ने देखा तो वहाँ पे तो बहुत सारे गुरु थे। उसने अरदास की कि जो भी जो मेरे पास अमानत है वह जिस गुरु की है वह अपनी अमानत ले ले और मुझे संतुष्टि दे। तो उसने भाई लुबाना जी ने 2-2 मोहरे सभी गुरुओं के आगे रखनी शुरू कर दी। जब 1 सोटी रह गया तो उसने पूछा कि यहाँ पे कोई और सोटी भी है, तो लोगों ने तेग बस्ताने की तरफ इशारा करके कहा कि हाँ। तो गुरु जी ने उसके सामने भी 2 मोहरे रख दी। गुरु जी ने कहा, भाई सिखा गुरदी अमानत तो दित्ती ही पली हुंदी है, 1000 विचों केवल 2 दे रहा है क्यों? भाई लुबाना ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें 5 पैसे और नारियल देकर गुरुगद्दी सौंप दी। इसी बीच औरंगजेब द्वारा किए गए अत्याचारों से पीड़ित होकर कश्मीरी पंडित गुरुजी के पास आ गए। उन्होंने गुहार लगाई कि औरंगजेब हमें ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि इस समय तो एक बहुत ही बलिदानी पुरुष की आवश्यकता है जो अपना बलिदान देकर आपको इससे मुक्त करवाए। तो उसी समय पास बैठे गुरु गोविंद राय जी बोल उठे कि पिताश्री, आपसे बड़ा बलिदानी पुरुष इस समय कौन हो सकता है? तो गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब से जाके कह दो कि अगर हमारे गुरु जी ने अपना धर्म बदल लिया तो हम भी बदल देंगे। इस प्रकार वह अपने भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गई और वहाँ जाकर उन्होंने औरंगजेब से कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। तो औरंगजेब ने उन पर काफ़ी जुल्म किए, यातनाएं दी, उनके सामने उनके भाई मतीदास, सतीदास और दयाला जी को शहीद कर दिया गया। पर गुरु जी अपने विश्वास पर अड़िग रहे। फिर उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने कहा कि या तो करामात दिखाओ या फिर मुसलमान बन जाओ या फिर शहीद हो जाओ। तो गुरु जी ने शहीद होना ही उचित समझा और 11 नवंबर 1675 में चांदनी चौक में श्री गुरु तेग बहादुर जी का सरधड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत द्वारा पंडितों को औरंगजेब के जुल्म से बचा लिया। और भाई जैतो जी ने उनका अंतिम भाई जैतो और भाई लखी शाह ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।